घर वाले तो नहीं मानते थे, वो यही कहते थे कि तुम क्या करोगी, दाऊद की बाजू नहीं है, दाऊद की एक टांग नहीं है, तुम क्या करोगी। फिर भी मैंने कहा नहीं, मैंने उसका साथ नहीं छोड़ना। मैं फिर घर वालों से लड़ के आ गई। मैंने कहा नहीं, मैंने दाऊद का साथ देना है। मुझे कहते थे तू एक बंदे के लिए सब कुछ छोड़ रही है, मैंने कहा मुझे वो ही चाहिए बस। डॉक्टर ने कहा है कि बाजू तो फिर भी लग जाएंगे, जान नहीं हम डाल सकते आपके अंदर। पहले उन्होंने मेरे बाजू थोड़े काटे थे, कोहनियों तक काटे थे उन्होंने मेरे बाजू। उसके बाद उन्होंने सारे बाजू काटने पड़े। मैं अपनी तरफ देखता था, तुम नहीं सोचते, सोचा ही नहीं जाता था कि ये मेरे पास आएगी। ऑपरेशन थिएटर में से बाहर लेके आए थे, अभी 8 घंटे हुए थे, अभी उसको होश ही, कहते थे नहीं आना, स्वेल हुआ था सही, आंखें भी नहीं थी खुल रही। फिर मैंने इसको आवाज़ दी इसके कान में, फिर एकदम से इसने आंखें खोली। फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगी। मैं ये सोचता था कि अगर मैं इसे कहूँगा कि आप मेरे साथ ही रहो, ये वो खुद फोर्स करूँगा, तो ये तो इसकी लाइफ ख़राब करने वाला मकसद होगा। मैंने इस पे छोड़ा था कि अगर मेरे नसीब में तो ये मुझे मिल जाएगी। मैंने जब एक वादा कर लिया, मैंने एक फैसला ले लिया था, तो मैंने उसको निभाना ही था बस। मुझे नहीं किसी की भी परवाह, मैं किसी के बारे में नहीं सोचती, बस दाऊद के बारे में सोचती हूँ। मैंने उसको कहा मैं हूँ ना, मैंने कहा खुदा ने तुमसे बाजू ली है और तुम्हें दी भी है, और मैं तुम्हारा साथ ऐसे ही दूंगी। कुछ तो थोड़ा सा हुआ था, लेकिन जब उसने बताया कि घर वाले ऐसे पापा नहीं मान रहे तो ये वो, तो मैंने उसे कहा कि आपके घर वाले ठीक कह रहे हैं, कोई भी माँ बाप है वो बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहता। मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि दाऊद नहीं बचेगा, रोज़ाना वो कहते थे कि आज दाऊद नहीं है, आज नहीं है दाऊद। इसी वजह से मेरे मामू वगैरह ने, घर वालों ने भी उसे कहा कि बेटा देखो अभी तो उसकी ज़िंदगी का पता ही नहीं है कि वो जिंदा रहे या जो भी उसके साथ हो। फिर भी वो वेट करती रही, उसने कहा नहीं मैंने इसके साथ ही करना है। तो 1 साल हो गया हमारे रिलेशन को, बाकी फ़ोन पे हम बात करते थे, वैसे भी हम बाहर भी जाते थे, बाइक पे घूमते थे। आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन हमारा स्ट्रॉन्ग होता गया, और हमारा गुजारा ही तो होता है एक दूसरे के बगैर। फिर ऐसे ही अभी भी वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी बड़ा करती हूँ उसके साथ प्यार। तब तो हमने देखे जीने मरने की कस्में भी खाई थी, लेकिन तब मैं सही था। जो इंसान खुद कर लेता है ना, वो खुद ही करता है अपना काम। जब कोई वॉशरूम वगैरह करवाता है, कोई भी कोई काम करवाता है ना, तब बस थोड़ा सा होता है कि खुदा ने क्या कर दिया मेरे साथ। लेकिन वो मेरी जो मिसिज है, मेरी बीवी है सना, वो मुझे आके हौसला देती है कि नहीं ऐसा नहीं सोचते। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो जाएगा। मैं सोचती हूँ मेरे साथ बातें करता था, मैं ऐसे किया करूँगा। मैं अभी भी मुझे कहता है, मैं किसी के साथ भी बाहर जाती हूँ ना, कि भाई हो गए, मामू हो गया, तो मुझे कहता है मुझे दुख होता है कि तुम किसी और के साथ जाती हो। मैं कहती कुछ नहीं होता, तुम ठीक हो जाओगे। फिर
फिर आप मुझे लेके जाना करना, मैं आपके साथ जाया करूँगी। और मैं उसको मतलब सैड नहीं होने देती, उसके साथ खुश ही रहती हूँ। उसको मैं जाहिर नहीं कराती कि मैं मतलब थोड़ा दुखी हूँ या कुछ भी, उसके साथ खुश ही रहती हूँ। हर टाइम उसको हंसाती रहती हूँ। फिर दाऊद ने कुछ नहीं, मैंने कहा अब बनाओ कुछ कहना, अब मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आ गई। फिर भी उसने कहा कि तुम देख रही हो कि मेरा हाल क्या है। मैंने कहा यार मैं तुम्हारा साथ दूंगी, जैसे भी हो तुम मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फिर कहता ठीक है। फिर मैं दाऊद के पास आ गई, फिर हमारा मतलब शादी करवा दी उन्होंने, तो तब से हम साथ रह रहे हैं। पापा की कॉल आई थी, फिर मैंने बताया था, मैं खुश हुई थी। तो मैंने पापा को कहा, मैंने कहा बड़े अच्छे तरीके से पापा ने बात की थी, तो मैंने कहा कि पापा दाऊद से बात कर लो। तो मेरे पापा ने फ़ोन काट दिया था। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कुछ नहीं होता, बात करें करेंगे, टेंशन ना लो। कहता मैं कहता हूँ तुम बस खुश रहो। मैंने कहा मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो, तुम टेंशन ना लेना, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी, मैं अपने पापा को मना लूँगी। मैं ये कहती हूँ कि शायद अगर मेरे साथ ये हादसा हो जाता तो मेरे मामा पापा क्या करते, और अगर दाऊद कहता कि मैं करवाऊँगा तो कितना इन्होंने खुश होना था। अब क्यों नहीं हो रहे, मैं उसका साथ दे रही हूँ, तो इनको भी चाहिए कि खुश हो कि हमारी बेटी ने इतना अच्छा फैसला लिया। पर वो इस बात को ही नहीं मानते। मुझे कोई मुखय्यर हजरात वज़ीरे आला से अपील है कि मुझे कोई मस्नूई तौर पर बाजू वगैरह लगवा दिए जाएं, कोई कारोबार या करवा दिया जाए। इसने तो जो कर दिखाया है ना, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, हौसला चाहिए। कोई कोई ऐसे करता है, मेरे लिए अपने सब घर वाले सब को छोड़ के आई है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि इसके साथ इसके घर वाले दोबारा मिलें। मैं दाऊद को ठीक देखना चाहती हूँ, बस बाजू लग जाए उसको, उसकी टांग लग जाए, वो मेरे पास बस चलता फिरता रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।